हेलो एवरीवन, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल एसएस। यूपीआईटीआई एडमिशन 2023 के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपीआईटीआई 2023 का फॉर्म निकल चुका है, तो उसी के बारे में आज के बाद वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। जो भी इच्छुक छात्र आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन फॉर्म एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10वीं 12वीं पास छात्र आईटीआई में एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको यूपीआईटीआई एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, काउंसलिंग आदि, जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका चयन क्लास 10वीं के अंकों के बेस पर मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। यूपीआईटीआई एडमिशन फॉर्म आ गया है, इच्छुक छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आईटीआई उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदनकर्ताओं का सूची जारी की जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें चुने गए छात्रों को कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखना कि कैसे क्या प्रक्रिया है गवर्नमेंट कॉलेज। हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से ट्रेड कौन सा है। बात करते हैं कोर्स ग्रुप ए इंजीनियरिंग व्यवसाय, जो इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं उनके बारे में। व्यवसाय का नाम है फिटर, जो ट्रेड है फिटर। प्रशिक्षण अवधि की बात करें तो ये दो वर्ष का जो है कोर्स है ये। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10वीं और 12वीं के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, टर्नर ट्रेड होता है। टर्नर की बात करें तो ये 1 साल का होता है। क्राइटेरिया की बात करें क्वालिफिकेशन, तो इसमें 10वीं पास साइंस और मैथ से होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो मशीनिस्ट होता है, जो कि 2 साल का होता है ये भी, तो इसमें 10वीं पास ज्ञान और गणित विषय से होना चाहिए। प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर की बात करें तो ये भी 1 साल का कोर्स होता है। 10वीं पास विज्ञान और गणित विषय के साथ या फिर 10वीं 12वीं प्रणाली के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें तो ये भी 2 साल का कोर्स होता है। 10वीं पास विज्ञान और साइंस और मैथ से होना चाहिए विषयों के साथ या फिर 10वीं 12वीं होना चाहिए अंतर्गत। मैकेनिक मशीन टूल्स रख रखाव की बात करें तो 2 साल का कोर्स होता है। 10वीं पास विज्ञान और गणित विषय के साथ या फिर 10वीं 12वीं होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल होता है। ड्राफ्टमैन सिविल की बात करें तो ये भी 2 साल का कोर्स होता है। 10वीं पास और साइंस और मैथ के साथ होना चाहिए या फिर 10वीं 12वीं। सर्वेयर ट्रेड की बात करें तो ये भी 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए या फिर 10वीं 12वीं प्रणाली के अंतर्गत साइंस और मैथ विषयों के साथ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो ये भी 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी 10वीं पास या फिर 10वीं 12वीं पास होना चाहिए साइंस और मैथ। ऐसे और भी बहुत सारे ट्रेड हैं। इसकी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, उसमें आप देख सकते हैं ट्रेड की लिस्ट। अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब जान लेते हैं कि आईटीआई में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है, ठीक है। आपको बताते हैं, यूपीआईटीआई एडमिशन के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 14 साल होना अनिवार्य है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें मेंशन नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आईटीआई में एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। तो आपको बताते हैं, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदन फॉर्म होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना कंपलसरी है ऑनलाइन एडमिशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। उत्तर प्रदेश के जो आईटीआई एडमिशन के लिए लेना चाहते हैं तो हम आपको आसान से समझा देते हैं यहाँ पे कि आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीदवार यूपीआईटीआई एडमिशन फॉर्म भरने के लिए राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट में प्रवेश करें।
इसमें इनकी वेबसाइट है www.scvtup.in करके वेबसाइट है, यहाँ पे सर्च करेंगे। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा। होम पेज पर मेनू में आपको प्रवेश का विकल्प, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने दो विकल्प आएंगे, आपको प्रवेश सत्र का चयन करना होगा। उसके बाद अगले पेज में आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर तीन विकल्प आ जाएंगे, राजकीय, निजी, राजकीय और निजी। यहाँ आपको इनमें से किसी भी एक विकल्प का चयन पर सबमिट करके बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। फॉर्म में आपको समस्त सूचनाएं सही सही और ध्यान पूर्वक दर्ज करनी है। अब आपको सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन और सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फॉर्म अप्लाई करने की पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही जमा करनी होगी और इसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करके अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। फ्रेंड, जो भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे उसको संभाल के रखना है। UPITI काउंसलिंग, अब काउंसलिंग की बात कर लेते हैं कि इस काउंसलिंग कैसे होता है। उम्मीदवार ध्यान दें, UPITI काउंसलिंग का आयोजन केवल उन छात्रों के लिए किया जाएगा जिनका चयन किया गया है या जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा। राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद UPITI के द्वारा ही काउंसलिंग का प्रबंधन किया जाएगा। चयनित छात्रों को काउंसलिंग अटेंड करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही छात्र काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। यदि कोई छात्र काउंसलिंग अटेंड नहीं करता है तो ऐसे स्थिति में उसका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभी छात्रों की अपने साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।